मुझे खुशी है कि केरला के लोग अब बीजेपी को एक नई उम्मीद के रूप में देखने लगे हैं। ये केरला के लोग ये समझने लगे हैं कि भाजपा बदलाव लाने, देश और राज्य का विकास करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करती है। जनो भारतीय जनता पार्टिये और प्रतीक्षोड़ अट्ठी का अर जन मनसो भारतीय जनता पार्टी मरत ई राज्य वििकसमी सत्यसंध प्रवर्तन का जन मनस आज तेज विकास की राह में, युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। വികസനത്തിന് മാർഗത്തിലോ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലോ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതിയാണ്। ഞാൻ ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ആ ചുവപ്പ് കോട്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടത്തേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി। ലേക്കിൻ ഹം യേ ബി ദേഖ് രഹേ जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। और क्यों मनस नमुक साधिकारेपड़ो राष्ट्रीय ध्रुवीकरण आ अहिमतिकारे रक्षिक ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തുറന്ന രംഗത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ്। എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെയും ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്।